नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आज मैं बनाने वाला हूँ एक पावर बैंक, वो भी बिना पावर बैंक मौजूद के। इसका बिना हम लोग यूज़ किए एक पावर बैंक बनाएंगे। आप लोग सोच रहे हो वह कैसे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया ये एक आईसी जिसका नंबर है 7805। एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी जिसका काम है 7 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने का। तो ये एक बहुत ही कमाल की आईसी है जिससे हम लोग हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे हम लोग इसका यूज़ करके हम लोग एक पावर बैंक बनाएंगे। और एक ये यूएसबी पोर्ट, मैं यहाँ पे 9 वोल्ट यूज़ करने वाला, इसलिए मैंने एक 9 वोल्ट की कैप ले ली है। 9 वोल्ट बैटरी की कैप है, इस बैटरी का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तब हम लोग थोड़े से कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोग कोई स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है तो आप लोग उसमें इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया ये काम करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हमको यहाँ पे देना है प्लस, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे प्लस, ये माइनस और ये आउटपुट का प्लस, इधर इनपुट देना है, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा हम लोगों को। तो इसको मैं इधर कुछ ऐसे कनेक्ट कर देंगा। तो ये है प्लस वाला और ये है माइनस वाला। तो प्लस वाले को मैं कनेक्ट करूँगा इसमें और माइनस वाले को कनेक्ट करूँगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको एक पीवीसी पाइप के सीध में से चिपका के बैटरी को यहाँ पे, यहाँ पे ये पोर्ट को यूएसबी। अब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। आप लोगों को एक बार मैं मल्टीमीटर चेक करवा के दिखाता हूँ कि 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं इसे और देख सकते हैं आप लोग 5 वोल्ट आराम से यहाँ पे आ रहा है आउटपुट में। मतलब मोबाइल चार्ज कर देगा, मोबाइल भी चार्ज करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चार्ज करके दिखाता हूँ इसको, देख सकते हैं चार्जिंग चालू हो गई, मतलब ये मोबाइल को चार्ज कर रहा है। लेकिन ये बैटरी में बहुत ही कम एम्पियर होता है, तो यहाँ भी बहुत कम एम्पियर आएगा और ये बहुत धीरे चार्ज करेगा मोबाइल को। धीरे आप लोग मोबाइल को चार्ज करेगा, पर आप लोग इसको एक प्रोजेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना हो तो आप बढ़िया से इसको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया ये काम करेगा। एक इमरजेंसी के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत मोबाइल को चार्ज कर दिए, उतना बढ़िया से चार्ज नहीं करेगा। और आप लोग साइड में इधर आउटपुट में भी कैपेसिटर लगा देना 25 वोल्ट का, अच्छा हो तो इनपुट में भी लगा देना। मैंने खाली एक प्रोजेक्ट आप लोग दिखाने के लिए बनाया है कि हम लोग ऐसा भी कोई पावर बैंक बना सकते हैं और इस आईसी का यूज़ कर सकते हैं। ये आईसी उसी काम के हैं कि 5 वोल्ट में। तो यार वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना कुछ धमाकेदार वीडियोस के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहिए, जय।